फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किचन फॉर यू। आज हम बनाएंगे मोमोज की रेसिपी। अगर आप घर में मोमोज बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाइए, जो बहुत ही इजी तरीका है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए आज हम मोमोज बनाना शुरू करते हैं कढ़ाई में। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मोमोज की सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए यहाँ पे हमने 3 टोमेटो डाल दिया है और टोमेटो के साथ हम मिलाएंगे पानी। तो यहाँ पे हम पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे 5 से 7 ड्राई चिली। ड्राई चिली डालने के बाद इसे हम 5 से 7 मिनट उबालने देंगे। 5 मिनट उबालने के बाद फिर इसमें हम पानी में से इसका निकालेंगे। पानी में से निकालने के बाद फिर इसका हमें पेस्ट बनानी है, तो इसे हम मिक्सिंग में डाल के पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, जो टोमेटो है, टोमेटो की जो स्किन है, उस स्किन को हमें निकालना है और मिक्सिंग में डाल के फिर इसका हमें पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पे हम और एक पेन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। साथ में 8 से 10 गार्लिक यहाँ पे हमने डाल दिया है बारीक काट के। इसे हमें फ्राई कर लेना है। इसको हमें डीप गोल्डन ब्राउन फ्राई करनी है इसका खुशबू बढ़िया आने के लिए। तो देखिए, अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटो की पेस्ट। टोमेटो की पेस्ट डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिला देनी है। अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून चीनी, साथ में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। और सारी चीज़ हमने डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद ये जो हमारी मोमोज की सॉस वो रेडी है। आप इसे मोमोज चटनी भी कह सकते हैं या आप कोई भी और पकौड़ा के साथ भी इस चटनी को सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, चटनी तैयार है। इसे मैं निकाल लूँगी और यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, उसमें हम मोमोज के लिए आटा को गूंदेंगे। तो यहाँ पे हमने मैदा ले लिया है 1 कप, साथ में 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और एक बार अच्छे से मिला देंगे और पानी डाल के इसका हम सॉफ्ट डो बनाएंगे। इसमें तेल हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो पानी डाल के हम इसका डो बनाएंगे अच्छे से गूंदते हुए। तो इसका जो डो है वो सॉफ्ट होगा तो मोमो का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और मोमो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। तो देखिए, हमने आटा अच्छे से गूंद लिया है। पैन में हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं, देंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक और 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली। इसे हमें कुछ सेकेंड के लिए फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। साथ में डाल देंगे ऑनियंस। तो यहाँ पे 3 हम ऑनियंस डाल देंगे और साथ में डाल देंगे कैप्सिकम। यहाँ पे हम डाल देंगे गोभी पत्ता। यहाँ पे जो ऑनियंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है और जो वेजिटेबल है इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, बस हल्का सा हमें इसे फ्राई करनी है। तो मैं इसे एक बार अच्छे से चला लूँगी। फिर इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सेजवान चटनी और एक बार अच्छे से मिला देंगे। या फिर आप 1 टेबल स्पून विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से मिलाने के बाद फिर हमारा स्टफिंग तैयार है मोमोज के लिए। इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। तो अब ये जो आटा है हमने पहले से गूंद के रखा है, उसमें से हमने लोइया बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने लोइया बना लिया है। अब हम इसको बेल लेंगे। तो इसकी जो हमें बेलना है, इसे पतली करके बेलना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको आप देख सकते हैं, जो डो है उसमें ट्रांसपेरेंट दिख रही है। तो अब जो स्टफिंग है वो हम इस तरीके से मीडियल में रख देंगे और यहाँ पे हमने बाउल में पानी भी रखा है और इस तरीके से हमने साइड में पानी लगानी है ताकि ये अच्छे से बंद होगा। तो अब देखिए, पानी लगाने के बाद इसका इस तरीके से डिज़ाइन करनी है। तो देखिए, बहुत ही इजी तरीके से आप इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से इसका बंद करने के बाद फिर दोनों हाथ में लेके फिर इस तरीके से इसको एक साइड से लेके दूसरी साइड से चिपक देनी है और बहुत ही बढ़िया मोमोज की डिज़ाइन बन के तैयार होंगे। अब देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आप मोमोज की डिज़ाइन बना सकते हैं। ये एक डिज़ाइन तैयार है, मैं और एक डिज़ाइन करके अब दिखाती हूँ। तो इस तरीके से स्टफिंग लेके इसकी मिडिल में रखनी है और साइड में इसकी अब पानी लगानी है हल्के हाथों से। तो पानी लगाने के पर अब देखिए, इस तरीके से एक साइड लेके दूसरी साइड से चिपकना है कुछ इस तरीके से। आधा आपको करनी है, पूरा नहीं करनी। आधा करने के बाद फिर जो बाकी रहता है उसको लेके उधर से आपको चिपकना है। तो कुछ इस तरीके से आपको चिपक देनी है और फिर आप देखेंगे और एक बहुत ही बढ़िया और आसानी डिज़ाइन तैयार है। इस तरीके से अभी आप बना सकते हैं। और भी एक डिज़ाइन होता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो सबसे इजी और सबसे आसान है। तो इस तरीके से पानी लगाने के बाद आपको फिर उस डिज़ाइन भी करनी है। पानी लगाने से बहुत ही अच्छा होता है ताकि ये खोलते नहीं है।
तो फिर आप देखिए कुछ इस तरीके से आपको एक के साथ दूसरा चिपक देनी है, पूरी जो राउंड है उस राउंड को आपको एक के साथ दूसरे को चिपकना है। तो इस तरीके से आप एक के साथ दूसरे को चिपकते रहिए और देखिए एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बन के तैयार होंगे। तो अब देखिए इस तरीके से आप मोमो की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं जो बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो आप निकाल भी सकते हैं या उसको रख भी आप सकते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया और एक डिज़ाइन बन के तैयार है। तो मोमोज बनाना कंप्लीट है, इस तरीके से बना लेंगे। अब हम चलते हैं मोमोज को स्टीम करने के लिए। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में पानी डाला है, पानी के ऊपर एक स्टैंड रख देंगे और उसके ऊपर हम एक छन्नी रख देंगे। छन्नी के ऊपर हम एक पत्ते रख देंगे, आप चाहे तो गोभी का जो पत्ता होता है उस पत्ता को भी आप रख सकते हैं। तो पत्ते के ऊपर फिर हम मोमोज को रख देंगे। तो मोमोज रखने के बाद फिर हम मोमोज को स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ढक के कम आधा घंटा इसको स्टीम होने देंगे ताकि बहुत ही अच्छा होगा। 20 से 25 मिनट बाद भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आधा घंटे के बाद फिर आप देखेंगे जो मोमोज है वो बिल्कुल तैयार है। तो आधा घंटे के बाद आप देखिए मोमोज तैयार है, बहुत ही बढ़िया मोमोज तैयार है और इसके अंदर का जो स्टफिंग है वो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। इस तरीके से बनाइए मोमोज, आपको बहुत पसंद आएगा। आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।